वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने द गिटार प्लेयर के बारे में स्टडी किया था, उसके जिस पैरा के बारे में स्टडी किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें जो नेक्स्ट पैरा स्टडी करेंगे अभी उससे उसका लिंक हो जाए और हमें थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में और आ जाए। तो लास्ट पैरा में हमने स्टडी किया कि दोनों जो पासर्स बाई हैं उधर से गुजरते हैं और गिटार प्लेयर का वो संगीत सुनते हैं, उसकी धुन सुनते हैं जो लड़की गिटार बजा रही है, और दोनों जो है दोनों को उससे प्रेम हो जाता है। ओके, दे फेल इन लव। इस प्रकार से जो है उनके साथ में ऐसा होता है और सारी रात उनके माइंड में वो धुन बजती रहती है, और लड़की जो उससे उनसे क्वेश्चन करती है वो क्वेश्चन उनके माइंड में गूंजते रहते हैं। ओके, और उन क्वेश्चन का जो है आंसर वो ढूंढते हैं पर उनको राइट आंसर मिल नहीं पाता है। ओके, तो वो लड़की उनसे क्वेश्चन क्या करती है, डू यू लव मी और टू माय गिटार और टू माय म्यूजिक, इस प्रकार से वो क्वेश्चन करती है कि या तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से प्रेम करते हो या मेरे संगीत से प्रेम करते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो दोनों पासर्स बाय जो है उनसे करती है, लेकिन उनको राइट आंसर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इस प्रकार से वो आपस में जो है इस बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, और लड़की अपनी संगीत की जो धुन है वो बजाती रहती है। अब आज देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें उनको क्या आंसर मिलता है और किस प्रकार से जो है वो आंसर देते हैं और क्या आंसर देते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमें ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है हमें, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पहले हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा आगे, द गिटार प्लेयर, गिटार वादक, फर्स्ट जो राहगीर है, फर्स्ट जो पासर पाई है वो क्या कहता है, आई वुड लव यू, मैं आपसे प्रेम करूंगा, पहले डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा या पहले राहगीर ने कहा, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नॉट ऑफ म्यूजिक, मैं तुमसे प्यार करूंगा, ये पहले राहगीर ने कहा है, यदि तुम क्या क्या नहीं कर सको, यदि तुम एक संगीत की धुन भी नहीं बजा सको, कहने का मतलब तुम्हें अगर संगीत की धुन भी नहीं आती है ना तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। ओके, आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नॉट ऑफ म्यूजिक, ये तुम संगीत की धुन भी नहीं बजा सको तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। ओके, एंड आई वुड लव यू स्वर द सेकेंड, दूसरे व्यक्ति ने शपथ खाई, स्वर में शपथ लेना, सौगंध लेना या सौगंध खाना, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, ये तुम्हारे पास में गिटार भी नहीं है, तुम्हारे पास में अगर गिटार भी नहीं हो खुद का तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने क्या कहा कि तुम नहीं समझते, लड़की ने उत्तर दिया, इस बात को तुम नहीं समझते, आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ या संगीतकार हूँ, म्यूजिशियन का मतलब संगीतकार, तो मैं संगीतकार हूँ, विच मी डू यू लव, विच मी डू यू लव, तो यहाँ पर इसका जो मीन्स है वो कैसा है। देखो, इंग्लिश में WH वर्ड का मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है, स्पेलिंग का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो हमें विच का कौन सा कौन सी है लेके नहीं चलना है। ओके, तो यहाँ पर इसका मीन्स कैसा है, कैसा वर्ड मतलब जो आता है वो इसका मीन्स है, तो तुम मुझे कैसा प्यार करते हो, किस प्रकार का प्यार तुम मुझसे करते हो, इफ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, यदि तुम मेरे संगीत के बारे में बिल्कुल भी तुम परवाह नहीं करते हो, इफ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल मीन्स बिल्कुल, कि तुम मेरे संगीत के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो तो मुझे तुम ये तो बता दो कि तुम मुझसे किस प्रकार का प्यार करते हो, कैसा प्यार करते हो, तुम संगीत में बजा रही हूँ, संगीतज्ञ हूँ, मेरा काम है, जॉब है मेरा, और मैं जब संगीत की धुन बजा रही हूँ तुम मेरी धुन को समझ नहीं पा रहे हो तो तुम मुझसे कैसा प्यार करते हो। एक व्यक्ति ने ये कहा ना कि तुम अगर एक संगीत की धुन भी नहीं बजा सको तो भी मैं प्यार करूंगा, दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे पास अगर गिटार नहीं भी हो तो भी मैं प्यार करूंगा, तो फिर वो कंफ्यूज हो रही है, कह रही कि तुम मुझसे कैसा प्यार करते हो ये तो बता दो मुझे, तुम मेरे संगीत के बारे में परवाह नहीं करते है तो फिर तुम किस प्रकार का प्यार करते हो, कैसा प्यार करते हो मुझसे। ओ दे सैड, उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दिया,
डेट वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दिया? तो लड़की ने कहा यस तुमने गलत उत्तर दिया, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल तुमने गलत आंसर जो है वो दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फिर वो कह रहे हैं कि राइट आंसर क्या है ये बता दो। फिर देखिए आगे, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूर्णतया, तुम्हें मुझसे कंप्लीटली या पूर्णतया प्यार करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, मैं जैसी भी हूं, जस्ट एज आई एम, मैं जैसी भी हूं, ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे जो मेरे पास जो भी उपहार हैं उनसे तुम्हें प्रेम करना है, ऑल माई पोजेशंस, जो मेरे पास संपत्तियां हैं उनसे तुम्हें प्रेम करना है, एवरीथिंग आई हैव बीन, एवरीथिंग, हर चीज से तुम्हें प्रेम करना है, पर आई हैव बीन, जैसी मैं रही हूं, जैसी मैं रही हूं, एंड इवन शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से मैं जैसी बनूंगी या होंगी, अब से मैं जैसी बनूंगी या रहूंगी, उन सब चीजों से तुम्हें प्रेम करना चाहिए, ओके। बट दैट इज इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, लेकिन ये क्या है, असंभव है। दे क्राइड आउट टुगेदर, वो दोनों एक साथ चिल्लाए, वे जो है दोनों पासर्स भाई वो एक साथ चिल्लाए कि ये तो असंभव है। यस हाँ, एग्रीड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया, लड़की सहमत होगी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, असंभव है। एंड चोज, चोज का मतलब चुना, क्या चुना, ए सैड ट्यून, सैड लिटिल ट्यून, सैड मीन्स उदासीन करने वाली या उदास कर देने वाली, दुखी कर देने वाली जो ट्यून है वो चुनी, टू सूट द ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर, अवसर के अनुकूल, सूट का अनुकूल, अवसर के अनुकूल जो है लड़की ने वो जो दुखी करने वाली जो सैड ट्यून है वो चुनी, मतलब वो धुन जो है वो धुन बजाने लगी, कौन सी धुन बजाने लगी, सैड ट्यून, ओके, दुखी कर देने वाली जो धुन है वो बजाने लगी, ओके। इस प्रकार से यहां पर कंफ्यूजिंग आप हो रहे हैं थोड़ा सा कि इसमें राइट आंसर मिला ही नहीं, ठीक है, राइट आंसर क्या है। इस प्रकार से ये लड़की उनको कंफ्यूज कर रही है, वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो किससे प्रेम करते हैं किससे नहीं करते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें स्टडी की है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी भी कर लेते हैं, देखिएगा इसके अंदर हमने जो पढ़ा है वो कितने कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया है, हमने इसमें थ्री कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया है, तीन जो इसमें कैरेक्टर हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है, जिसमें दो तो क्या है, दो दो पासर्स बाई हैं और एक जो है वो संगीतज्ञ है, जो लड़की है वो संगीतज्ञ है, ओके। इस प्रकार हम जो है इसमें स्टडी कर रहे हैं और पहले भी हमने स्टडी इसमें किया है। तो ये हमने देखा, अब इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। इसमें जो है इस स्टोरी का जो मॉरल हमने स्टडी किया वो ये हमने स्टडी किया कि आज की स्थिति में एक ऐसी लड़की जो है, उस लड़की के बारे में स्टडी किया है, कौन सी लड़की के बारे में, जो लड़की इसमें धुन बजा रही है उसके बारे में स्टडी किया। तो इसमें इसका मीन्स ये हुआ कि हमें आज लिंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, और ये स्टोरी इस पर तथ्य पर जोर भी देती है, महिलाओं को अपनी पहचान होनी चाहिए, और ये जो स्टोरी है ये हमें एक ऐसी लड़की को चित्रित करती है, एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है जो उसकी इंटेलिजेंसी, बुद्धि जो है और उसका जो स्किल है, उसका जो कौशल है और उसमें जो आर्ट है, ओके, उससे बहुत ही ज़्यादा अहमियत और उसकी पहचान या उसको इम्पोर्टेंस जो है वो दिया जाना चाहिए, ओके। इस प्रकार जो है ये जो गिटार प्लेयर है उसमें इस प्रकार की बातें हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम इस प्रकार का स्टडी करेंगे कि जो नेक्स्ट वाली स्टोरी है उसके अंदर भी ऐसा ही है थोड़ा सा, क्या क्या है कि हमें जो महिलाएं हैं उनकी स्वतंत्रता या उसकी जो फ्रीडम है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इस तथ्य पर ही प्रकाश डालती है कि अपना जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो वेमेन हैं वो कुछ निश्चित भूमिकाएँ उनको निभानी चाहिए, और थोड़ी बहुत जो फ्रीडम है वो भी होनी चाहिए,
जो उनके पेरेंट्स हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी फ्रीडम से दुखी हो जाते हैं। ओके, और इंसान क्या करता है, मनुष्य जो है वो विमेन से, महिलाओं से जो है अपने आप को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट या ज़्यादा ही श्रेष्ठ मानता है और उन्हें अपने इक्वल नहीं मानता। ओके, ये इसमें बताया गया है। एक जो वुमन है वो अपना पूरा जीवन जो है क्या करती है, अपना जीवन जो है अपने जीवन में अपना जीवन साथी जो चुनना पसंद करती है, और वो क्या करता है जो उसमें जो लिंग समानता है, ओके, जेंडर इक्वालिटी है, उसमें विश्वास करता है, उसकी प्रतिभा को मान देता है और अपने स्वयं की जो वीकनेसेज हैं उनको एक्सेप्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। तो ये इसमें कुछ हमने स्टडी किया कि इसमें जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, उस जेंडर इक्वालिटी के बारे में हमने स्टडी किया है। दोनों स्टोरीज में जेंडर इक्वालिटी के बारे में ही हमें बताया गया है कि इसमें समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी इनडिफरेंस, जो भेदभाव है मान लो, डिफरेंस है, भिन्नता है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हमने दोनों, एक स्टोरी हमने स्टडी कर ली थी गिटार प्लेयर, और दूसरा हम स्टडी जो करेंगे स्वयंवर, दोनों का एक ही मोटो है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और कुछ जो फ्रीडम है, ओके, वेमेन को जो है कुछ फ्रीडम भी होनी चाहिए, उस फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो है वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती है, जो हम नेक्स्ट में और स्टडी करेंगे। लेकिन इन दोनों का एक ही सारांश है, एक ही समरी है, जेंडर इक्वलिटी। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, तो ग्रामेटिकली देखना इसमें, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा। तो यहाँ पर देखो मॉडल है विल का, पास्ट वुड, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस हो गया। इसके जस्ट बाद में इवन इफ यू कुड नॉट प्ले नॉट ऑफ म्यूजिक, यदि तुम संगीत की एक भी धुन नहीं बजा सको तब भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तो यहाँ पर भी कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, और मॉडल के जस्ट बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा, एंड आई वुड लव यू, सेकंड वन क्या कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, सो आर द सेकंड, सेकंड जो इंसान है या सेकंड जो पर्सन है उसने शपथ ली, सो आर मीन शपथ लेना, यहां भी सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल है, इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, ये तुम्हारे पास में गिटार भी नहीं हो तो भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लड़की ने क्या कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, तुम नहीं समझते, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, डोंट नेगेटिव सेंटेंस है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डोंट का यूज होता है, मतलब डू का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का यूज तो कन्फर्म होना ही होना है। इसके जस्ट बाद लड़की ने क्या कहा कि आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ, तो यहाँ पर एम का यूज मैन वर्ब के रूप में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो यहाँ एम के साथ में वर्ब फर्स्ट आई एन जी डेफिनेटली यूज किया जाएगा। अगर सिंगल है, इज एम आर सिंगल कहीं भी मिलते हैं, इट मीन्स ये मान के चलना कि वहां पर प्रेजेंट टेंस तो है बट वहां एम इज एम आर का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, विच मी डू यू लव, यहाँ पर जो गर्ल है वो ये कहती है उनके आंसर्स को सुनकर के कि तुम मुझसे कैसा प्रेम करते हो, तो यहाँ पर भी क्या है, डू और यू, मतलब यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है बट यहाँ पर डू प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल का हो गया। इसके जस्ट बाद में, इफ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, वो कह रही है कि तुम मेरे संगीत के बारे में ही परवाह नहीं करते हो तो मुझसे तुम किस प्रकार का प्रेम करते हो, फिर यहाँ पर भी डोंट का यूज किया गया है, मतलब प्रेजेंट सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ओ दे सेड, उन्होंने कहा, दोनों ने कहा, तो यहाँ सेड भी क्या है, पास्ट सिंपल आ गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म सेड और थर्ड फॉर्म भी सेड। डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत आंसर दिया, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आया हुआ है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, यस हाँ, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा कि तुमने वास्तव में गलत उत्तर दिया, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, पास्ट सिंपल आया हुआ है, तो ये आपने यहाँ देखा। इसके जस्ट बाद में, वेल ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर, सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है। ओके, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझसे कंप्लीटली, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, पूर्णतया
तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज किया गया है, और मस्ट मॉडल के जस्ट बाद देखिए क्या क्या आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। मतलब एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज ही किया जाता है, कभी भी सेकेंड फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का यूज मॉडल के जस्ट बाद तुरंत बाद नहीं होता है, ये कन्फर्म मान के चले। अगर थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो उसके साथ बी फॉर्म आएगी या फिर हैव फॉर्म आएगी। ओके, हैव का यूज होगा या फिर बी का यूज होगा, ये ध्यान रखने की बात है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, जस्ट आई एम, जैसी भी मैं हूं, ऑल माई गिफ्ट्स, चाहे मेरी वो गिफ्ट्स हैं या गिफ्ट्स के साथ में, ऑल माई पोजेशंस, मेरी जो संपत्ति है उनके साथ में, एवरीथिंग आई हैव बीन, और जो मैं कुछ बनने वाली हूँ या बनूंगी, या जैसी मैं रही हूँ, और इवन शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, अब मैं जैसी बनूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मुझसे प्रेम करना चाहिए। मतलब मेरी हर चीज से तुम्हें प्रेम करना चाहिए, मेरे गिफ्ट्स हैं, चाहे पोजेशंस हैं, चाहे मैं जैसी बनूंगी या आगे बनूंगी या अभी मैं रही हूँ, जैसी भी, उन सब चीजों से तुम्हें प्रेम करना चाहिए। तो दोनों एक साथ चिल्लाएं, बट दैट इज इम्पॉसिबल, ओके, ये असंभव है। ओके, यहां पर देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैव है यहां पर, ओके, और बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव के साथ और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बीन भी थर्ड फॉर्म है किसकी, बी की, बी वॉज बीन। तो दोनों एक साथ चिल्लाए, यहां पर देखो पास्ट सिंपल, ओके, यस एग्रीड द गर्ल, लड़की ने सहमति व्यक्त की, एग्री में सहमत हुई, तो यहां पर भी पास्ट सिंपल, चोज चुना, पास्ट सिंपल, सी एच डबल ओ एस ई, चूज फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ये होती है, थर्ड फॉर्म सी एच ओ एस ई एन। ओके, तो लड़की ने एक मातमी धुन बजाई, मान लो दुखी करने वाली धुन जो है वो अवसर के अनुकूल बजाई। ओके, इस प्रकार से हमने जो है इसमें ये स्टडी किया है। ओके, ग्रामेटिकल इसका स्टडी हमने कर लिया, इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। थर्ड जो लेसन है उसका नेक्स्ट पार्ट है स्वयं वर्ब। तो इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर वही जो जेंडर इक्वालिटी है, लिंग समानता के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर हमें जो विमेन है उनकी फ्रीडम के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, और इंडियन सोसाइटी में विमेन को कुछ अपनी भूमिकाएं जो है, रोल है, वो अदा करनी चाहिए, और उन्हें और थोड़ी स्वतंत्रता या थोड़ी जो फ्रीडम है वो जो है अगर मिलती है उन्हें, मान लो, तो क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं और समाज के लोग दुखी हो जाते हैं। ओके, तो इंसान जो है अपने आप को क्या करता है, जो व्यक्ति है, आदमी है, वो अपने आप को महिलाओं से श्रेष्ठ मानता है और उन्हें अपने समान है वो नहीं मानता है। इसलिए क्या करना चाहिए, एक जो महिला है उसे ही अपना लाइफ पार्टनर पसंद करती है, स्वीकार करती है, जो जेंडर इक्वलिटी में विश्वास करता है, और उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसका जो टैलेंट है, उसका रेस्पेक्ट करता है, और अपनी जो वीकनेसेज हैं उनको स्वीकार करता है। ओके, इस प्रकार के व्यक्ति को जो है वो महिलाएं अपने पार्टनर के रूप में स्वीकार करती है। तो देखते हैं इसमें आगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय क्या होता है, देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी राजकुमारी जो थी, हु वाज गुड एट व्हिसलिंग, वो सीटी बजाने में माहिर थी, गुड एट का मतलब माहिर, एक्सपर्ट, डोंट व्हिसल सेड हर फादर, सीटी मत बजाओ ऐसा उसके पापा ने कहा, बट द चाइल्ड वाज गुड एट इट, लेकिन बच्ची जो है इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, माहिर थी, एंड वेंट ऑन व्हिसलिंग, सीटी बजाती रही, years went by, सालों गुजर गए, and she became a woman, वो एक महिला बन गई, बड़ी हो गई, by this time, इस समय, she whistled beautifully, वो सीटी बजाती थी बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरह से, her parents grieved, उसके माता पिता दुखी होने लगे, और क्या कहा उन्होंने दुखी होकर के, what man will marry a whistling woman, वॉट मैन, कौन सा व्यक्ति या कौन व्यक्ति जो है इस सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा।
सैड हर मदर डॉलफुली, डॉलफुली का मतलब दुखी मन से। उसकी माँ ने भी कहा वेल ठीक है, सैड हर फादर, पापा ने कहा वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसका कोई अच्छा कोई उपाय है वो निकालेंगे। ओके इसे शादी कौन करेगा, किस प्रकार से इसका जो है विवाह करना है, इसका हम कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आई विल ऑफर, तो क्या उपाय निकाला देखो उन्होंने, मैं ऑफर कर दूंगा, प्रस्ताव कर दूंगा, दे दूंगा मान लो क्या, हाफ माई किंगडम, मेरा आधा जो राज्य है, एंड द प्रिंसेस इन हर इन मैरिज, और साथ में शादी में जो है लड़की जो है उसको भी मैं दे दूंगा, टू एनी मैन, उस व्यक्ति को हु कैन बीट हर, जो उसको हरा सकता है, एट रेसलिंग, रेसलिंग मतलब सीटी बजाने में जो व्यक्ति उसको हरा सकता है, मैं उसको मेरा आधा राज्य दे दूंगा, और लड़की को साथ में शादी के रूप में मैं शादी के में जो है उसको दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूअली, राजा का जो प्रस्ताव बिल्कुल उचित था। ओके उसकी घोषणा कर दी गई, प्रोक्लेम्ड घोषणा कर दी गई, एंड सून और शीघ्र क्या होता है, द पैलेस वॉज जैम्ड, जैम का मतलब जाम लग जाना, भयंकर भीड़ हो जाना, तो वहां पर लोगों की भीड़ बन हो गई इनकी, विद सूटर्स विस्लिंग, जो सिटी बजाने में माहिर थे, सूटर्स थे, उनकी भीड़ हो गई वहां, इट वॉज वेरी नॉइजी, चारों तरफ शोर ही शोर था, महल पूरा शोर युक्त था, मोस्ट वर टेरिबल, काफी कई लोग तो काफी भयंकर थे, यानी मतलब सीटी बजाने में काफी ज्यादा माहिर थे, एंड ए फ्यू वर गुड, कुछ व्यक्ति अच्छे थे सीटी बजाने में, बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन प्रिंसेस उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट थी, ज्यादा बेटर थी मान लो, एंड बीट बैट देम इजीली, और उन सबको उन्होंने उसने राजकुमारी ने जो आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, राजा जो है वो नाखुश था, बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन लड़की ने कहा, राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर, पापा कोई बात नहीं है, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक टेस्ट करने दो, मैं टेस्ट कर रही हूँ इनका, इनके एग्जाम ले रही हूँ, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, कोई अच्छा उससे का रिजल्ट निकल के आएगा। देन शी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो शूटर की तरफ मुड़ी, डू यू एक्नोलेज, क्या तुम स्वीकार करते हो किस बात को, यू वर बीटन फेयरली, क्या तुम्हें अच्छी तरह से हरा दिया गया है, क्या तुम इस बात को स्वीकार करते हो, नो सभी ने कहा नो, दे ऑल रोवर्ड, सभी चिल्लाए गुर्राए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम कैसे स्वीकार कर ले, ऑल एक्सेप्ट वन, एक के अलावा, एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया बाकी सभी ने इनकार कर दिया, और क्या कहा, वी थिंक इट वॉज मैजिक, हमने हम ये सोचते हैं कि शायद ये कोई जादू है या सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, किसी प्रकार की कोई चालाकी है, बट वन सेड, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या कहा, यस यस ही सेड, उसने कहा आई वॉज बीटन फेयरली, कि मुझे अच्छी तरह से हरा दिया गया है, ऐसा एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। ओके इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मुझे अच्छी तरह से हरा दिया गया है, और इसके जस्ट बाद में देखिएगा, इसके जस्ट बाद में एक लाइन और है, और वो लाइन जो है वो ये है, प्रिंसेस स्माइल्ड। ओके एक लाइन को हम और जो है थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं आगे, और उसको लिखते हैं, इसमें जो एक लाइन है वो ये है, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर उसको मेंशन करते हैं, और वो लाइन क्या है देखिएगा, इसमें द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड तो इसमें एक नेक्स्ट लाइन देखिएगा, यहाँ से बाद में एक लाइन और है, द प्रिंसेस स्माइल्ड, लड़की या राजकुमारी है वो मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू अवर फादर, अपने पापा की तरफ मुड़ते उसने कहा, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, इस व्यक्ति की तरफ उसने इशारा किया और क्या कहा, इफ ही विल यहाँ पर हैव है, इफ ही विल हैव मी, यदि इस व्यक्ति की, इस आदमी की मुझे पाने की इच्छा है, ओके इफ सी विल हैव मी, सी सेड, उसने कहा तो आई विल मैरी हिम, तो मैं इससे शादी करूंगी, ऐसा उसे राजकुमारी ने कहा। आपने इसमें क्या देखा, अभी ये राजकुमारी जो है किस व्यक्ति से शादी कर रही है, जो उस व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है, उससे हार गया है, कहने का मतलब
यहाँ पर जो जेंडर इक्वेलिटी है, हमें औरतों की जो रेपुटेशन है या उसका जो मान सम्मान है, रेस्पेक्ट वो करना चाहिए। सभी लोगों ने रेस्पेक्ट नहीं किया, सभी ने क्या किया, केवल जो यूँ कह सकते कॉम्पिटिशन जो है उसमें उसको हराने की कोशिश की। ओके, इस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे अच्छी तरह से हरा दिया गया है। कहने का मतलब उसने उसकी इंटेलिजेंस को स्वीकार किया, और जो स्वीकार किया उसका रेस्पेक्ट किया, तो रेस्पेक्ट करते ही जो है उसने राजकुमार ने उसको स्वीकार कर लिया अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। ओके, थोड़ा हम इसको ग्रामेटिकल और स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट था, ये जो टू लाइन्स है ये नीचे वाला पार्ट है, थोड़ा सा लास्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट था इसका। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब ये एक तरह से पास्ट टेंस आ गया, किसी समय या एक बार। देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक जो छोटी राजकुमारी थी, वो वॉज पास्ट सिंपल टेंस। हु वॉज, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस। गुड एट रेसलिंग, जो सीटी बजाने में माहिर थी। डोंट विसल, इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके पापा ने फादर ने कहा कि सीटी मत बजाओ। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस, बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लड़की इसमें माहिर थी, तो यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल टेंस। एंड वेंट ऑन विसलिंग, वेंट ऑन पास्ट सिंपल, सीटी बजाती रही। Years went by, साल गुजरते गए, सालों गुजरते गए। Went by, past simple. And she became a woman, वो एक महिला बन गई, तो यहाँ पर भी past simple second form आ रहा है become का। By this time, इस समय तक she whistled, वो सीटी बजाती रही ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से, अच्छी तरह से। whistle का मतलब सीटी बजाई या बजाती थी, यानी का मतलब past simple। Her parents grieved, उसके माता पिता दुखी होने लगे, तो यहाँ पर भी past simple second form। What man will marry a whistling woman? इस सीटी बजाने वाली महिला से कौन शादी करेगा, कैसा व्यक्ति शादी करेगा, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल विल के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, और फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर तो सिंपल टेंस है, उसके अंदर क्या होता है विल और सेल, जो हेल्पिंग होती है उनके साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। सैडर मदर डोलफुली, उसकी माँ ने दुखी होकर के कहा। वेल ठीक है, सैडर फादर, पापा ने कहा कोई बात नहीं है। We will have to make the best of it. हम इसमें इसका जो कोई ना कोई अच्छा उपाय निकालेंगे, कोई ना कोई परिणाम अच्छा निकल के आएगा, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर सिंपल। ओके, और यहाँ पर टू मैक, ये आपका टू इन्फिनिटिव। तो इसके बाद ये कह रहा है कि आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, मैं मेरा आधा साम्राज्य दे दूंगा उस व्यक्ति को, और प्रिंसेस को भी दे दूंगा इन मैरिज, शादी में। एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो जैसे सीटी बजाने में हरा सकता है उस व्यक्ति से उसकी शादी करवा दूंगा, और मेरा आधा साम्राज्य भी दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूअली प्रोक्लेम्ड, राजा का जो ऑफर है उसको उसकी घोषणा जो है वो उचित रूप से करवा दी गई। एंड सून द पैलेस वॉज जैम्ड, जो पैलेस है वो बिल्कुल जाम हो गया, मतलब वहाँ पर भयंकर भीड़ हो गई। यहाँ पर भी पास सिंपल और वॉज जैम्ड, यहाँ पर ये पास सिंपल का पैसिव वॉइस। विद शूटर्स विस्लिंग, जो एक सीटी बजा रहे हैं उनके साथ में जो है पूरा महल जो है वो क्या हो गया, जाम हो गया। इट वॉज वेरी नोइजी, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाली है, मान लो शोर हो रहा तो दुखी करने वाली बात ही मान सकते हैं। इट वॉज वेरी नोइजी, इट का मतलब महल से है यहाँ, तो पैलेस बहुत ज़्यादा नोइजी है, शोरयुक्त है। मोस्ट वर टेरिबल, का कई लोग तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर थे सीटी बजाने में, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। एंड इफ यू आर गुड, कुछ अच्छे थे, बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन प्रिंसेस उनमें और भी बेटर थी। ओके, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ओके, यहाँ और आ रहा है तो ये पास्ट सिंपल। द किंग वॉज डिसप्लीज, राजा ना खुश था, उदास था, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। बट द प्रिंसेस सेड, राजकुमार ने कहा नेवर माइंड फादर, पापा कोई बात नहीं, नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं। नाउ लेट मी सेट, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, अब मुझे क्या करने दो, लेट मी सेट ए टेस्ट, एक टेस्ट मुझे आयोजित करने दो, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, इससे कोई ना कोई अच्छा परिणाम निकल के आएगा, कुछ अच्छा होगा। देन शी टर्न टू द शूटर्स, टर्न मीन्स मुड़ी, यहाँ पर पास सिंपल, शूटर्स की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नोलेज, क्या तुम स्वीकार करते हो दैट कि यू आर बीटन फेयरली, क्या तुम्हें अच्छी तरह से हरा दिया गया है, मतलब वर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास सिंपल का पैसिव वॉइस। लड़के ने क्या कहा कि तुम स्वीकार करते हो क्या कि तुम्हें अच्छी तरह से हरा दिया गया है, उन्होंने कहा नहीं। दे ऑल रोवर्ड, सभी वो गुर्राए चिल्लाए, ऑल एक्सेप्ट वन, उन सभी में एक के अलावा सभी चिल्लाने लगे, और क्या कहा, वी थिंक, हम सोचते हैं, इट वॉज मैजिक, ये जादू था कोई, या फिर सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, कोई एक चालाकी का प्रकार था कोई, बाकी ऐसा नहीं है, हम हारे नहीं है। बट वन सेड, एक व्यक्ति ने क्या कहा कि यस यस ही सेड, उसने कहा आई वॉज फेयरली, या आई वॉज बीटन फेयरली, मुझे अच्छी तरह से हरा दिया गया। तो यहाँ पर भी पास सिंपल का
पैसिव वॉइस है, वॉइस प्लस थर्ड फॉर्म। लास्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसमें देखो आप, द प्रिंस इज स्माइल, लड़की या राजकुमारी मुस्कुराई एंड टर्निंग टू हर फादर, अपने पापा की तरफ मुड़ते हुए क्या कहा उसने, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, इस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा इफ ही विल हैव मी, इसका मतलब है, इस पूरे का मतलब क्या है, यदि इस व्यक्ति की मुझे पाने की इच्छा है, ये व्यक्ति मुझे पाना चाहता है, ओके तो क्या होगा, क्या कहा उसने, सी सेड, उसने कहा आई विल मैरी हिम, तो मैं इससे शादी करूंगी। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने उसका रेस्पेक्ट किया, उसका सम्मान किया और उसका सम्मान करने के कारण ही उस लड़की ने उसको स्वीकार किया अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, ओके। तो हमें भी जो है उनका सम्मान करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखना चाहिए, उसमें इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक लाइफ जो है ढंग से चल सकती है और सोसाइटी है मान लो उसमें भी इस प्रकार की प्रोग्रेस जो है वो हो सकती है। जहाँ जेंडर इनइक्वलिटी रहेगी वहाँ पर प्रोग्रेस के चांसेस नहीं होते हैं, ओके। तो इस प्रकार हमने ये थर्ड लेसन के दोनों जो पार्ट हैं वो स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो लेसन उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तब तक आप इनकी लर्निंग करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।